थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे में ये लिंक दिखेगा, इस पे हमने क्लिक करना है। एंड गाइस ये जो है ओडीएल वालों के लिए, जो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरना है। अभी इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। All right guys, I'm Prince Gupta and you are watching Technical Students YouTube channel. So guys, in this video I am gonna to teach you some video editing tips. तो गाइज देख सकते हैं मैं अभी काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो सोचा आपको थोड़ा टिप्स दे दूं। तो देखें गाइज, आप इस तरीके का अगर इफेक्ट लाना चाहते हैं, जूम इन करने वाला इफेक्ट, थोड़ा इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से जूम इन हुआ, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज इसमें आपको तीन पार्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला पार्ट के देखते हैं आपका जो जूम इन इफेक्ट देखने को मिलता है, दूसरा के जो कॉन्स्टेंट इसी तरीके से आपका स्क्रीन है जो दिखता रहता है, और तीसरा पार्ट में गाइज आपका जूम आउट होता है। इस तरीके से आपको जूम आउट देखने को मिलेगा, जिसको आप प्रीव्यू विंडो में देख रहे होंगे, इस तरीके से आपको जूम आउट देखने को मिलेगा। तो इसको किस तरीके से हम क्रिएट कर पाएंगे, तो आइए आगे हम देखते हैं इसको। गाइज इसको मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, देख सकते हैं ये जो यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट नोट वाला जो यहाँ पे पॉपअप हुआ विंडो, इसको मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जूम होके दिखे हमको, ये फुल स्क्रीन में दिखे, तो इसको हम किस तरीके से इफेक्ट ला पाएंगे। तो गाइज आप जहाँ से चाहते हैं पहले देखिए, तो यहाँ से ये आता है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये दिखे कि इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड डाउन हुआ था, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट हमको मिले। तो थोड़ा टाइमलाइन है, प्रिसाइज एडिटिंग कर लेंगे टाइमलाइन को थोड़ा, तो इस तरीके से डाउन आया। तो यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख ले सारा फ्रेम, और यहाँ पे गाइज आपको करना है, आपको स्प्लिट लगा देना है। तो देखिए ये आपका स्प्लिट यहाँ पे लग जाता है, और देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये थोड़ा जूम इन होगा, और इतना यहाँ से लेके इतना तक ये जूम इन होगा, जहाँ से स्प्लिट लिया हूँ और टाइमलाइन जहाँ पे रुका हुआ है उतना जूम इन इफेक्ट मिलेगा। और इतना दूर कॉन्स्टेंट मैं रखूँगा, जो कि देख सकते हैं कॉन्स्टेंट रखेंगे, और ये देखिए यहाँ से जो मेरा जो स्लाइड इंपॉर्टेंट नोट का जो स्लाइड है ये ऊपर गया, तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा ऊपर जाता हुआ मुझे दिखे। देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा ये पूरा सीन बन रहा है, तो मतलब इफेक्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक में अप्लाई होने वाला है गाइज। तो मैं यहाँ दूसरा स्प्लिट यहाँ पे लगाऊंगा, तो गाइज देख सकते हैं ये जो कि कॉन्स्टेंट पूरा बना हुआ था, तो देख सकते हैं ये मेरा जो मेन पार्ट है जो जिसको मैं एडिटिंग का पूरा अप्लाई करने वाला हूँ, ये वाला इफेक्ट, ये आपको क्रॉप कर लेना है। तो इसको देखिए जूम एंड पैन वाला ऑप्शन में आपको जाना है, और इसको आप जूम कर लीजिए, देखिए इस तरीके से कि आप चाहते हैं कि इस तरीके से इतना मेरा जूम इन हो जाए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है, इस तरीके से पूरा फिट कर लेना है। और यहाँ पे गाइस जो आप देख रहे हैं स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दोनों को आपको गाइस क्या करना है, कर देना है इक्वल, तो इक्वल यहाँ पे हो चुका है। अब गाइस देखेंगे हम थोड़ा सा दिखाएं आपको प्रीव्यू विंडो में, तो देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है डायरेक्ट विदाउट ट्रांजिशन, कोई भी मतलब डायरेक्ट यहाँ पर फुल स्क्रीन पर आ गया, इस तरीके से क्रॉप होकर आया। तो चाहते हैं कि थोड़ा हमको जूम इन वाला इफेक्ट मिले, और यहाँ से जूम आउट भी देखेंगे तो देखेंगे डायरेक्ट क्या हो गया गाइस, जूम आउट। तो हम चाहते हैं कि जूम इन एंड जूम आउट वाला इफेक्ट मिले, और ये इफेक्ट आधा सेकंड में ही मिल जाए, यानी कि 500 मिली सेकंड में ही। देख सकते हैं यहाँ पे जो कट लगाए हैं हम लोगों ने 293 के कुछ आसपास आए, तो यहाँ पे 500 ऐड करेंगे, इट्स मीन आधा सेकंड, तो 292 था तो यहाँ पे 500 ऐड किए हैं, तो 700 कितना हो गया, 792 हो गया। तो 792 पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे 792 पे जाएंगे हम लोग, 792 किधर है, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है इसमें डिजाइन पैटर्न, तो चलिए 792 के करीब हम आ गए। और यहाँ पे गाइज एक आपको स्प्लिट फिर से लगा देना है, तो ये गाइज देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट लग गया है, और दूसरा गाइज आपको तो देख सकते हैं गाइज एक जो यहाँ से मेरा हो गया एक पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट है, तो इसको भी एक हम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना है, 588 है, तो इसमें से -500 कर देंगे, जो कि लास्ट जा रहा है, -500 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 88 हो जाएगा। तो चलिए हम 88 पे ले चलते हैं इसको इस तरीके से, तो देख सकते हैं 88 पे आ गया करीब करीब, हाँ तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हम 88 पे ला दिया। और यहाँ पर गाइज आपको एक स्प्लिट लगाना है, अब देखेंगे गाइज जो मेरा पार्ट था, अब देख सकते हैं जो तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है, देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, देखिए ऐसे दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट। तो गाइज देखेंगे ये जो कि मेरा कॉन्स्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतना ही क्रॉप होकर मुझे पूरा दिखे, तो ये तो मैं इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब ध्यान देने वाली बात है गाइज, अब चाहते हैं कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से डायरेक्ट जूम हो गया है, यहाँ से क्या हो गया है डायरेक्ट जूम, और इधर वाला जो सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं तो जूम तो वो है ही, तो यहाँ से हम थोड़ा चाहते हैं कि ट्रांजिट हो। तो ये देखिए ये जो
पहले वाला पार्ट है जो मेरा इफेक्ट से पहले वाला पार्ट है तो उससे मैच करना चाहिए। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे पहले वाला पार्ट को और जूम एंड पैन वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो इक्वल किए थे हम लोग स्टार्ट पोजीशन और इन पोजीशन इसको अनइक्वल कर देंगे, मतलब हटा देंगे यहाँ से। और गाइस देखेंगे इसका जो स्टार्ट पोजीशन को आपको सिलेक्ट करना है और क्या कर देना है गाइस, आपको पूरे तरीके से जूम आउट कर देना है और आपको बहुत ही यहाँ पर ध्यान देना होगा, एकदम फ्रेम को फुल करना होगा इस तरीके से। स्टार्ट पोजीशन में आप गाइस देख रहे हैं तो वहाँ पे पूरा जूम आउट है और इन पोजीशन में पूरा जूम इन है। तो इस तरीके से अब हो गया है, अब हम यहाँ पे प्ले करके देख लेंगे गाइस। तो देखेंगे ये देखिए इफेक्ट हमें देखने को मिला है, देख सकते हैं पहला तीन पार्ट यहाँ पे पूरा बनाए थे तो पहला पार्ट में हम ये इफेक्ट प्राप्त कर चुके हैं गाइस, देख सकते हैं जूम इन हो गया। और सेकेंड वाला पार्ट है जो कॉन्स्टेंटली इसी तरीके से है, देखिए प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से इफेक्ट हमें देखने को मिल चुका है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, ये तो गाइस जूम इन हो गया, देखिए जूम इन इफेक्ट हमको मिल गया है और ये वाला पार्ट कॉन्स्टेंट रहा। अब जूम आउट इफेक्ट चाहते हैं तो इसको अब लास्ट वाला जो पार्ट है जो कि हमारा थर्ड पार्ट है इसको गाइस जूम आउट इफेक्ट चाहते हैं। तो सबसे पहले अनइक्वल कर दीजिए जो कि स्टार्ट पोजिशन था, इन पोजिशन था। तो स्टार्ट पोजिशन तो गाइस ये तो ऐसा ही रहेगा, अब इसमें इन पोजिशन में जाना है और इन पोजिशन में आप क्या चाहते हैं तो इस तरीके से आपका क्या जूम आउट हो जाए। तो अब इसको जूम आउट करना है तो यहाँ पर मिक्स एकदम पूरे परफेक्टली स्क्रीन पर आपको बैठाना होगा, यही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देना होगा। तो इस तरीके से परफेक्टली यहाँ पर गाइस फिट हो चुका है। अब गाइस इसको बस बैक कर लेंगे, आपका हो गया। अब देखिए गाइस यहाँ से जूम आउट इफेक्ट हमें देखने को मिल चुका है। तो अब डायरेक्टली गाइस हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमें जूम इन इफेक्ट देखने को मिला है, देखिए। और ये कॉन्स्टेंट पार्ट है जो कि इस तरीके से रुका हुआ है। थर्ड पार्ट है जिसको आप देख रहे हैं जूम आउट देखने को हमको मिला है। तो ये हमारा जूम आउट हो जाता है यहाँ पे। तो गाइस अब हम इसका फाइनली प्रीव्यू देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो गाइस देखेंगे यहाँ पे जूम इन इफेक्ट हमें देखने को मिल गया और यहाँ पे कॉन्स्टेंट फ्रेम हमारे रहा और यहाँ पे जूम आउट हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप इसको एडिट कर पाएंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।